अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटे, आपने पिछले लेसन में ज़कात की अहमियत के हवाले से पहला टॉपिक पढ़ा था, ज़कात की फर्जियत। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ज़कात की अहमियत ये टॉपिक करेंगे। इसको हमने पहले बड़ा डिटेल डिस्कस किया था पिछले लेसन में, तो आज वाला टॉपिक पहले रीडिंग होगी और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। रबिया, आप अपना माइक अनम्यूट करें और रीडिंग करें बेटे। ज़कात की अहमियत पर नोट। ज़कात की अहमियत। दुनिया में कोई मज़हब नहीं जिसने मोहताजों की अनायत और इंसानियत की खिदमत की तलकीन ना की हो और उसे इबादत का एक लाजमी जज़ो करार ना दिया हो जुज करार ना दिया हो लेकिन इस्लाम वाहिद मज़हब है जो हर साहिब इस्तेआत पर फर्ज करता है और वो हर साल अपने माल में से मुकर्रर निसाब के मुताबिक हिस्सा निकाले और ज़कात को नमाज के साथ दर्जा देकर उसे माली इबादत करार देता है। दौरे नबी में ज़कात की अहमियत। ज़कात की अहमियत इस वाक्य से भी जाहिर होती है जब एक मरतबा एक गरोह ने बारगाह नबूवत में हाजिर होकर इस्लाम की तालीमात दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल में सबसे पहले नमाज और फिर ज़कात पर जिक्र फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़कात के लिए ऐलान जिहाद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब बाज़ लोगों ने ज़कात अदा करने से इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके खिलाफ जिहाद किया। ज़कात अदा ना करने वालों के खिलाफ कुरान की सख्त वईद सुनाई है जो लोग सोना चांदी सेंत कर जमा करके खजाना बना कर रखते हैं और उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। इस क़यामत के दिन इस सोने चांदी को जहन्नम की आग में थपाया जाएगा फिर इसके साथ इनके चेहरे इनके पहलू और पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा करते थे अब इसका मजा चूंके जो तुम जमा करते अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करते रहते थे। ज़कात के फायदे। एक मिनट रुके रबिया, इसको पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ज़कात की अहमियत, यहाँ पर ये बात बयान हुई है कि दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो लोगों की मदद करने का जज्बा ना उभारता हो या लोगों की मदद करने की तलकीन ना करता हो, लेकिन इस्लाम जो है वो सिर्फ तलकीन नहीं करता, उसने हमें हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बना दिया है ज़कात को कि अपने माल में से एक ख़ास शरा के मुताबिक एक अपने माल में से हर साल कुछ माल निकालने को उन लोगों की मदद करने के लिए जो मुस्तहिक हैं उसको फर्जियत के दर्जे में दे दिया है। इसी तरह की फर्जियत है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है ऐसे ही ज़कात फ़र्ज़ है। तो जो शख्स साहिब निसाब हो यानी इतना माल रखता हो जो ज़कात की शर्त पूरी करता हो तो उसको अपने माल में से ज़कात निकालना लाजमी है और ये माली इबादत है। और अहम बात यह है कि कुरान पाक में जहाँ पर नमाज की फर्जियत का जिक्र आया है वहीं ज़कात की फर्जियत का भी जिक्र आया है। तो इस एतबार से ज़कात हमारे दीन का एक बुनियादी रुकन है। और ये बात मैंने आपको पहले भी जिक्र की थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक इसमें भी बयान है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी ऐलान जिहाद किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद
जब 9 मुस्लिम जो थे उन्होंने जकात अदा करने से इनकार किया था तो उन्होंने उनके खिलाफ बाकायदा एलानी जिहाद किया था। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, अगर वो उस वक्त ये स्टेप ना उठाते तो फिर आज दीन अपनी असली हालत में मौजूद ना होता। यानी जो अगर पहले लोगों ने जकात का इनकार किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अगर उस पर उस वक्त इतना इतना सख्त एक्शन ना लिया जाता तो फिर बाद में नमाज का भी इनकार कर देते। तो दीन अगर आज अपने बुनियादी अरकान, बावजूद बहुत सारे इख्तलाफात के, अपने बुनियादी अरकान जो हैं उनके ऊपर अपनी सॉलिड दलील के साथ वो कायम है, और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला ने सहाबे कराम से भी ये खिदमत ली और बाद में आने वाली उम्मत मुस्लिमा जो है वो इन तमाम कम अज कम बुनियादी बातों पर जरूर मुत्तफिक है। फिर यहाँ पर कुरान की एक आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35, और उसके तर्जुमे के मुताबिक जो लोग जकात अदा नहीं करते और वो इसी तरह जकात ना अदा करने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही माल उनके लिए एक अजाब की सूरत अख्तियार कर जाएगा, और उसी माल को, सोने चांदी को, जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा, और इतना उसका जो है ना वो गर्म और इतना खोलता हुआ होगा कि जिन लोगों ने ज़कात अदा नहीं की होगी तो उनके इसी माल से, हालांकि वो जायज़ जरिए से कमाया हुआ माल है, इसके बावजूद वो एक अजाब की शक्ल हो जाएगी। और वो क़यामत वाले दिन, क्योंकि उन्होंने उसमें से अल्लाह और उसके रसूल का हक नहीं निकाला था, तो क़यामत वाले दिन वो माल उनके लिए, उस माल के साथ उनको, उनके जिस्मों को दागा जाएगा, उनके पहलू, उनकी पुश्तें दागी जाएंगी, हत्ता कि उनके चेहरे भी। दागने का मतलब, आपने कभी देखा है कि लोहे की कोई रॉड बहुत तेज गर्म की जाए और वो एक सुर्ख अंगारा वो बन जाए, वो सलाख या वो रॉड जो है, और जब उससे दागा जाता है तो अंदर तक गोश्त पिघल जाता है, तो इस तरह का अजाब दिया जाएगा कयामत वाले दिन। बात समझ आ गई क्लास 9? तो वो कुछ वीडियोस नहीं होती कि एक छुरी को 10,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके चीजों के अंदर डाला जाता है, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, वो चीजों के अंदर से काट के चली जाती है छुरी। लेकिन इसी तरह आप ये समझें कि ये जो कैफियत है वो इंसानी खाल और इंसानी जिस्म के साथ ये मामला रखा जाएगा, और ये बहुत खतरनाक बात है, ये अजाब बर्दाश्त नहीं होगा किसी से। आपका हाथ अगर किसी अचानक भी उंगली टच हो जाए किसी गर्म चीज से, गर्म बहुत कोई गर्म चीज है, किचन में आप चले जाएं और कोई बहुत गर्म देगची जिसका इतना नहीं इतना हीटिंग पॉइंट होता, तो आप एकदम से उसकी जो तकलीफ है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप सोचिए कि इसको कितने डिग्री पे अल्लाह ताला गर्म करेंगे और उसके साथ वो अंदर तक खाल के और गोश्त के उतर जाएगी वो चीज, तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करेगा इंसान। ये बहुत ज्यादा बड़ा अजाब है, ये हल्की बात नहीं है। जो है बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा बेटे, आगे पढ़े बेटे। अलीजा है, अली नाम पढ़िए बेटा। ज़कात के फायदे, ज़कात के फायदे, ज़कात समाजी फलाह और बहबूद का बेहतरीन जरिया है। ज़कात के जरिए माशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफालत होती है, और इस तरह माशरे में नफरत और इंतकाम की बजाय हमदर्दी, एहतराम और बाहमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग हासिल होता है। ज़कात देने वाले के दिल से माल की मोहब्बत मिट जाती है और अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा गालिब आ जाता है। गरीबों से हमदर्दी पैदा हो जाती है और दौलत की गर्दिश में आने से माशरे के अफराद की माली हालत बेहतर हो जाती है। सवाल नंबर 3, मुसारिफ ज़कात कुरान करीम की रोशनी में लिखी है। इसको पहले समझ लें, ज़कात के फायदे। मैंने पिछली दफा भी आपको बताई थी ये बात के ज़कात के निज़ाम को एक आप समझ लीजिए कि जैसे बॉडी के अंदर ब्लड गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है, अगर कहीं पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए तो वहीं पर बीमारी और खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर दौलत किसी जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाए, और अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा एहसान है, अगर वो ज़कात का निज़ाम नाफिज ना करता तो जैसे पहले माशरे तबाही और बर्बादी की भेंट चढ़ गए और अपने उनके अंदर कजी और उनके दिलों के अंदर बुखल पैदा हो गया, तो अल्लाह ताला ने इंसानी बुखल को निकालने के लिए ये निज़ाम
कम अज कम लिमिट जो है इसकी ज़कात की मुकर्रर कर दी, और बाकी इंसान जितना मर्जी खर्च करना चाहे अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर सकता है। तो इसी तरह ये ज़कात की गर्दिश है। ज़कात सिर्फ इकट्ठा करने का नाम नहीं है, लोगों से लेने का नाम नहीं है, बल्कि उसको उसकी सही डिस्ट्रीब्यूशन होनी, उस माल की सही सर्कुलेशन होनी पूरी सोसाइटी में और पूरे माशरे के अंदर, वो ज़रूरी है। यानी ये एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है, पहले इस ज़कात को सही तरीके से कैलकुलेट करके इकट्ठा किया जाए, फिर उसका हिसाब लगा के जो हकीकतन माशरे के सही मायनों में महरूम और मुफलिस लोग हैं, जिस जिस मद में जहाँ जहाँ जिसकी मदद हो सकती है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको प्रॉपरली सर्कुलेट किया जाए, ये तभी इस निज़ाम की कामयाबी है। अगर सिर्फ इकट्ठा कर लिया जाए और उसके अंदर भी लोग करप्शन कर लें तो फिर वो ज़कात का बजाय फ़ायदा होने के वो नुकसान हो जाएगा, वो और कोई बन जाएगा, एक माशरे का एक कोई और नासूर बन जाएगा। इसलिए ज़कात के निज़ाम को पूरी तरह राइज करना और पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना, बारीक से बारीक नुक्ते का ध्यान रखना, ये इस्लामी रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसको इस क्योंकि ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, तो एक इस्लामी रियासत जो अपने आप को इस्लामी रियासत कहती है, जो अपने आप को इस्लामी मुमलिकत कहती है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नमाज और ज़कात के निज़ाम को कायम करना और उसको नाफिस करना और उसके ऊपर चेक रखना और उसकी अकाउंटेबिलिटी होना और उसका उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करना और उसके लिए ऐसे लोग हायर करना जो इस ज़कात के निज़ाम के अमीन हों, अमानतदार हों और अमानतदारी से उसको चला सकें उस निज़ाम को। ठीक है, अच्छा जी आगे पढ़ें। ज़ुहेब बाब मसारिफ ज़कात। मसारिफ ज़कात, मसारिफ मसारिफ मसरिफ मसरिफ नहीं की जमा है, मसरिफ की जमा है जिसके मायने मद और खर्च करने की जगह है। कुरान मजीद ने ज़कात के मुसारिफ खुद बयान किए हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में है, ज़कात गरीबों मस्कीनों ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है और गर्दन चुराने में गुलामों को आज़ाद करना, जो तावान भरे कर्जदार और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में, ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। इस आयत की रोशनी में ज़कात के 8 मुसारिफ हैं। नंबर 1, फुकरा। फकीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो और अपनी गुजर औकात के लिए दूसरों की मदद और ताउन का मोहताज हो। नंबर 2, मसाकीन। इससे मुराद वो शरीफ गुरबा हैं जो नहायत खस्ता हाल हो लेकिन शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। नंबर 3, आमलीन ज़कात। ये ज़कात के महकमे में काम करने वाले मुलाजिम हैं। नंबर 4, मुअल्लिफतुल कुलूब। इनसे मुराद वो लोग हैं जिनके दिल इस्लाम की तरफ जोड़ना मकसूद हो। नंबर 5, रकाब। इससे मुराद गुलाम हैं जिन के मालिकों को रकम अदा करके उनके आजाद करवा लिया जाए। गारमेन, ऐसे लोग जो गारिमीन, ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हों और कर्ज अदा ना कर सकते हों। ये नंबर 1 दोबारा से आ गया। अच्छा सॉरी, सबीलिल्लाह ये नंबर 1 नहीं है, ये नंबर 7 है। सॉरी
इसकी नंबरिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। नंबर 7 फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले लोगों की मदद भी ज़कात से की जा सकती है। नंबर 8 इबने अल सबील मुसाफिर अगरचा अपने घरों में खुशहाल हों, अगर हालत सफर में उनको जरूरत पेश आ जाए तो ज़कात के माल से अदा की जा सकती है। मदद की जा सकती है। ज़कात देते वक्त पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। नेज़ ज़कात से मुसलमान को ही दी जा सकती है। ठीक है, ये समझ आया मसारिफ ज़कात क्या है, क्या मतलब है इसका, मसारिफ किसकी जमा है? मेहरुन निसा बताएं जरा। मसरिफ, मसरिफ नहीं है, मसरफ है बेटा, ये मसरफ की जमा है। और मसरफ कहते हैं खर्च करने को, यानी जो जकात इकट्ठी की जाए उनको किन जगहों पर या किन लोगों को देना चाहिए, इसका मतलब ये है। और ये हम अपनी मर्जी से नहीं देंगे, चूंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो अल्लाह ताला ने खुद ही वो 8 मसारिफ या वो 8 कैटेगरीज बता दी हैं जहां पर जकात का माल खर्च होगा, जिसमें से 8 कैटेगरीज तरतीब वार अभी जुहेब ने पढ़ के बताई है। फुकरा, फकीर से मुराद वो शख्स है जिसके पास बिल्कुल कुछ ना हो और अपनी गुजर औकात के लिए दूसरों की मदद और ताउन का मोहताज हो, यानी बहुत ही ज्यादा मखदूश हालात हो उसके, कि वो अपना खाना पीने का भी सही तरह से बंदोबस्त ना कर सकता हो। फिर दूसरे नंबर पर है मसाकीन, इससे मुराद वो शरीफ गुरबा हैं जो हों तो खस्ता हाल ही लेकिन शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, यानी उनकी खुददारी जो है वो इस बात की इजाजत ना दे वो किसी के आगे हाथ फैलाएं। फिर आमिलीन ज़कात, ये वो लोग हैं जो ज़कात इकट्ठी करने पर और ज़कात का हिसाब किताब करने, ज़कात एक पूरा डिपार्टमेंट है ना ज़कात का महकमा है, उसमें काम करने वाले जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ज़कात में से ही अदा की जाएंगी। उसके बाद है मौलिफतुल कुलूब, इस मौलिफा का मतलब है उल्फत डालना। जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं, जाहिर है जब वो मुसलमान होते हैं या इस्लाम कबूल करते हैं और अपने पिछले मजहब को, अपनी पिछली बिरादरी को उनको छोड़ना पड़ता है, तो उनको बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कि वो दिल बर्दाश्ता होकर दोबारा कुफ्र की तरफ वापस ना लौट जाए, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ज़कात के माल में से उनकी मदद की जा सकती है। रिकाब का मतलब है गर्दनें छुड़ाना। पहले चूंकि ये गुलामी का कॉन्सेप्ट ज्यादा था, तो उन गुलामों के पास तो जाहिर इतनी रकम नहीं होती थी ना कि वो अपने आप को आज़ाद करवा सकें। अल्लाह ताला ने तो इंसान को फितरतन आज़ाद ही पैदा किया है, लेकिन गुलामों के पास इतनी रकम नहीं होती थी कि उनको आजाद करवाया जा सके। तो अगर ऐसे गुलाम हैं जो आजादी चाहते हैं, और जाहिर हर गुलाम ही चाहता है, तो उनको आजाद करवाने के लिए वो रकम उन गुलामों को नहीं अदा की जाएगी, उनके मालिकों को अदा करके उनको छुड़वा लिया जाएगा। गारिमीन, ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हों और कर्ज अदा ना कर सकते हों। बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान के घर में, किसी भी आदमी के घर में जरूरत की शायद हर चीज मौजूद हो, लेकिन कोई ऐसी उसको कारोबार में नुकसान हो जाए या कोई ऐसी उसके साथ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी बोझ के नीचे वो दब जाए और उसको कर्ज उठाना पड़ जाए, यानी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी घर में कोई बीमारी आ जाती है और वो उसका इलाज करवाने से कासिर है। अब उसके घर में जरूरियातें जिंदगी तो हैं, और बाज दफा क्या अक्सर ये भी हो सकता है कि वो बरसरे रोजगार भी हो लेकिन उसके पास इतनी रकम ना हो कि वो इलाज करवा सके, तो उसको कर्ज उठाना पड़ जाए। या कोई ऐसा शख्स जिसको कारोबार में इतना जबरदस्त नुकसान हो जाए कि वो कर्ज के बोझ तले दब जाए, तो फिर उसकी मदद ज़कात के माल से की जा सकती है। फी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले ये मुजाहिदीन हैं जो अपने घरों से निकलते हैं, तो पीछे उनके अहले खाना की जो किफालत की जाएगी वो भी ज़कात के माल से की जाएगी।
फिर है इब्न सबील यानी मुसाफिर लोग। अब सफर की हालत में गो के वो अपने घर में अपने एतबार से खुशहाल ही हो, लेकिन अगर हालत सफर में उसके पास ज्यादा राह खत्म हो गई है, उसको अंदाजा नहीं था कि सफर उसका तवील हो जाएगा या उसके अखराजात जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उसने एक मुनासिब रकम रखी थी, वो रकम जो है वो खर्च हो गई है, उसके पास उसने मजीद ठहरना है या क्याम करना है सफर में, तो उसकी मदद, वो मुसाफिर की मदद जो है वो भी ज़कात के माल से की जा सकती है, वो कि वो अपने घर में खुशहाल भी है तब भी, क्योंकि जाहिर है वो घर जाके तो नहीं अपना बंदोबस्त कर सकता अपने अखराजात का, तो वो जो इस्लामी रियासत है वो उनका ख्याल रखेगी। और फिर यहाँ एक कंडीशन भी बता दी कि पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए और सिर्फ मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है, किसी और मद में आपने मदद करनी है कोई सदका खैरात वगैरह वो किसी नॉन मुस्लिम को आप कर सकते हैं, लेकिन ज़कात खुसूसियत के साथ सिर्फ मुसलमान का ही हक है। और यहाँ पर यह बात भी नोट कर लीजिए बेटे कि असल में ज़कात को इकट्ठा करना, ज़कात का प्रॉपर महकमा या डिपार्टमेंट कायम करना और उसकी कैलकुलेशन करना और उस माशरे के लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, ये सिर्फ इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ पर ज़कात का निज़ाम राइज ना हो सही तरीके से, या जहाँ पर आपको लगे कि वो रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से नहीं निभा पा रही, तो फिर आप अपनी ज़कात इन आठ मद्दात में से या इन आठ मसारिफ में से खर्च कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, लेकिन इन्हीं आठ मसारिफ का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है और मुझे अब बताइए कि अब मजीद आपका टेस्ट जो है वो मैं ले लिया करूँ नेक्स्ट क्लास में। जी सुहेब जी बेटे, सब मुझे इंडिविजुअली बताएं, ये ना हो कि अगर मैं टेस्ट अनाउंस करूं उसी दिन सारी क्लास गायब हो जाए। अगर आप ये टेस्ट ले रहे तो अगर आप एक काम कर सके तो आप जब हमारी सैटरडे को क्लास होती है उस दिन ले लिया करें। चलिए मैं सैटरडे को ले लूं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि थर्सडे को दो बजे, एक तो थर्सडे को दिन बहुत लंबा होता है, दूसरा थर्सडे को अक्सर और बेशतर उर्दू टीचर टेस्ट देती है, आई भी टेस्ट है वो, आप ठीक है आप उर्दू का टेस्ट देते हैं, फिर मेरा टेस्ट आप एवरी सैटरडे देंगे। हाँ यस ये सही है, एवरी सैटरडे। हाँ अब मुझे बताइए कि हम लॉन्ग चेक बैक से शुरू करें या शुरू से सूरह अनफाल से शुरू करें, ये भी चलिए आपकी सवाबीत पर छोड़ दें। सूरह अनफाल से कर लें। सूरह अनफाल से कर लें, और कितने चैप्टर्स दूं मैं टेस्ट के लिए? बाकी सिर्फ पूछ लें, मेरे ख्याल में दो तो हो जाते हैं तैयार। दो आराम से हो जाएंगे या दो चैप्टर्स? जी मुझे अपना काम जाएंगे, और मेक श्योर करेंगे सब बच्चे कि उस दिन सब बच्चे प्रेजेंट होंगे टेस्ट वाले में। जी बताइए बाकी बच्चे भी बेटा? यस ठीक है, थैंक यू, देंगे दो चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर्स नोट डाउन कर ले, आपका टेस्ट होगा ये कमिंग सैटरडे को ले रही हूँ मैं। जी मेहरून सर। ओके जनाब, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर सारी चीजों का लेंगे टेस्ट? जी सब चीजों का लेंगे बेटा, मेरा ख्याल है वो हम रिवाइज भी कर चुके हैं फर्स्ट टू चैप्टर्स। जी हिबा बताइए, टेस्ट देने के लिए तैयार है? यस। जी रबिया। यस। जी अलीज़। बताइए बेटा। फातिमा असलम। यस टीचर। सब बच्चे एग्री करते हैं और कोशिश करेंगे कि फिर कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा टेस्ट वाले डे पर। ठीक है बेटे? यस। और टीचर अगर मतलब इन केस हो भी जाए तो फिर मंडे को लिया जाएगा? मंडे को तो नहीं है क्लास। मंडे को तो मेरी क्लास ही नहीं होती, मेरी थर्सडे और सैटरडे होती है। यस। नहीं मतलब कि कभी कभार हो जाता है। कोशिश करें ना, फिर देखें जब तक आपकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी वो टेस्ट का मजा भी नहीं आएगा ना लेने का। ठीक है। नहीं टीचर कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर मतलब हो जाए तो
तो उसमें ना फिर आप सब बच्चों को अपने कैमरास ऑन रखने पड़ेंगे, इवन गर्ल्स को भी, कॉपी की तरफ। हाँ जी, कॉपी की तरफ जहाँ आप लिख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको मॉनिटर करूंगी यहीं से। यस ठीक है। केमिस्ट्री में भी हमारा ऐसे ही होता है। हाँ जी, दो में आपको आपको अपना कैमरा अपनी कॉपीज की तरफ रखना पड़ेगा ताकि मैं आपकी मॉनिटरिंग कर लूं। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सूरह अनफाल, इन दोनों का टेस्ट है। और एटलीस्ट वो बच्चे जो आज की क्लास में प्रेजेंट हैं वो तो प्रेजेंट ही होंगे, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी मैसेज सेंड करूंगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेंगे। जी क्लास 9 फातिमा, ये ट्रांसलेशन भी होगी? जी बेटा, मेरुनिसा बोली बेटा, ये ट्रांसलेशन भी होगी? मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्वेश्चन किया। तो ट्रांसलेशन भी होगी? हाँ ट्रांसलेशन होगी, वर्ड्स मीनिंग होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सब कुछ होगा। वो रिटन टेस्ट मैं इसी तरह स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी ना, और आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा, फिर मैं व्यू कर लूंगी कि आप लोग कैसे टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप में जो आप लोगों का 9-10 का ग्रुप बना हुआ है, आप अपना टेस्ट करके और वो मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँ। क्लियर जी? ओके ठीक है। उसी वक्त जैसे ही टेस्ट फिनिश होता है उस क्लास में, उसी वक्त ही आपको व्हाट्सएप उसकी पिक्चर लेके, और वैसे तो मैं कैमरा से मॉनिटर कर रही हूँ, लेकिन उसी वक्त आपने पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है आपने। ये प्रोसेस समझ आ गया आपको? जी बताइए बेटा। हमें पता ही कैसे करना है क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते से ये कर रहे हैं। ठीक है, गुड। ठीक है बेटे, और कोई चीज समझनी है तो समझ ले।